अनिल कपूर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी कुछ शर्टलेस तस्वीरें शेयर की है। 64 इयर्स में काफी फिट रहने वाले अनिल इन तस्वीरों में काफी मस्कुलर नजर आ रहे हैं। उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बॉलीवुड सितारों ने किया कमेंट। संजय दत्त के कैंसर से ठीक होने की खबर सुनकर इमोशनल हो गई थी पत्नी मान्यता। खबरों के मुताबिक संजय दत्त के एक करीबी दोस्त ने बताया कि जब संजय के कैंसर से ठीक होने की खबर पत्नी मान्यता दत्त को मिली तो वो रोने लगी। वहीं रिपोर्टरली रणबीर कपूर ने सबसे पहले संजय दत्त को फोन किया था। उरी, गली बॉय, सुपर 30 सहित 10 हिंदी फिल्मों को मिलेगा सरकार से अवार्ड। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने गजेट नोटिफिकेशन जारी कर कई फिल्मों और सितारों के लिए अवार्ड्स की अनाउंसमेंट की है। इस लिस्ट में ऋतिक रोशन की फिल्म सुपर 30, आयुष्मान खुराना की बधाई हो, विकी कौशल की उरी द सर्जिकल स्ट्राइक और रणवीर सिंह की गली बॉय जैसी कई फिल्में शामिल है। हालांकि इस लिस्ट में कंगना रनौत स्टार ऑफ फिल्म मणिकर्णिका को शामिल नहीं किया गया है। ये पुरस्कार इफ्फी गोवा के 51st समारोह में दिए जाएंगे। सुशांत सिंह राजपूत के निधन पर ऋतिक रोशन की मां पिंकी रोशन ने दिया बयान। उन्होंने सोशल मीडिया पर सुशांत की एक फोटो शेयर कर सुशांत केस पर अपनी राय रखते हुए कहा है, सच्चाई सभी को जाननी है लेकिन सच्चा किसी को नहीं बनना। उनका ये कहना कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। वो किस पर निशाना साधने की कोशिश कर रही है, कौन सच नहीं बोल रहा है। पिंकी रोशन ने अपनी ट्वीट में #universeispowerful, #prayersarepowerful जैसे हैशटैग का इस्तेमाल भी किया है। कंगना रनौत ने मुंबई पुलिस द्वारा नोटिस जारी किए जाने के मामले में रिएक्शन दिया है। मुंबई पुलिस ने कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल को नोटिस जारी कर उन्हें अपने बयान दर्ज कराने के लिए अगले हफ्ते पेश होने के लिए कहा था। पुलिस के समन पर रिएक्शन देते हुए कंगना रनौत ने ट्वीट किया, जुनूनी पेंगुइन सेना, महाराष्ट्र के पप्पू प्रो, बहुत याद आती है कंगना, कोई बात नहीं जल्दी आ जाऊंगी। रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने बताया था कि कंगना और रंगोली अपने बयानों के जरिए कम्युनिटीज के बीच कथित तौर पर नफरत को बढ़ावा देने को लेकर उनके खिलाफ दर्ज मामले के सिलसिले में बयान दर्ज किए जाने हैं। जर्सी के लिए जमकर पसीना बहा रहे हैं शाहिद कपूर। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो फील्ड पर परफेक्ट कवर ड्राइव प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस वीडियो के कैप्शन में लिखा, अर्ली मॉर्निंग्स वेक अप विद ड्राइव। भाई की शादी में बिना पैसे के पहुंची कंगना रनौत, देखे ये मजेदार वीडियो। बाहुबली डायरेक्टर SS राजामौली की मल्टीलिंगुअल फिल्म RRR में जूनियर NTR के किरदार का फर्स्ट लुक जारी कर दिया है। NTR के किरदार का नाम भीम है। टीजर काफी दमदार है और रोंगटे खड़े करने वाला है। आलिया भट्ट ने सोशल मीडिया पर इसका हिंदी टीजर शेयर किया है। मशहूर प्रोडक्शन हाउस एरोस नाउ ने नवरात्रि पर बनाए डबल मीनिंग पोस्टर। इनमें रणवीर सिंह, कटरीना कैफ और सलमान खान की फोटो है। कंगना ने नवरात्रि के दौरान हिंदू धर्म की आस्था को चोट पहुंचाते इन वन लाइनर्स पर जमकर गुस्सा निकाला है। कंगना ने सारे OTT प्लेटफॉर्म को पॉर्न हब करार दिया। हैशटैग बॉयकॉट एरोस नाउ ट्रेंड होने के बाद कंपनी ने मांगी माफी। कंपनी ने इस मामले पर सफाई देते हुए ट्विटर पर एक स्टेटमेंट रिलीज किया। 18 देशों में फिर रिलीज होगी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। फिल्म क्रिटिक तरण आदर्श ने बताया है कि शाहरुख खान काजोल की इस ब्लॉकबस्टर फिल्म को वर्ल्ड वाइड फिर रिलीज करने की तैयारी है। इस लिस्ट में अमेरिका, UK, UAE, सऊदी अरब, कतर, मॉरिशस जैसे देश शामिल है।